Help me for 100k subscriber. Help me for 100k subscriber. हेलो एवरीवन, नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है टेक्निकल जेसी चैनल में। दोस्तों यहां पर मैं लेकर आया हूं कैनन का प्रिंटर का प्रॉब्लम सॉल्यूशन। दोस्तों कैनन का प्रिंटर यहां पे मेरे सामने है। दोस्तों कैनन का प्रिंटर है एमएस क्लास MF221D मॉडल का प्रिंटर है, MF221D, ठीक है। तो दोस्तों यहां पर ये दिखा रहा है दोस्तों, टर्न द मेन पावर ऑफ एंड ऑन यहाँ पर दिखा रहा है, और यहाँ पर E202-3002, ठीक है, E202-3002 यहाँ पर इस तरह का एरर कोड दिखा रहा है। तो दोस्तों इस तरह का एरर कोड के कंडीशन में यहाँ पर क्या होता है कि दोस्तों इसका जो CIS यूनिट होता है वहाँ पर अच्छी तरह से एडजस्ट नहीं होने के बाद यहाँ पर इस तरह का एरर आता है। और यहाँ पर दोस्तों इसका जो स्कैनर है, दोस्तों स्कैनर का वायर है, स्कैनर का केबल है, स्कैनर केबल, उसमें दिक्कत आने के बाद भी ये एरर आता है, और CIS यूनिट में दिक्कत होने के बाद भी ये सब प्रॉब्लम होता है दोस्तों, ठीक है। तो दोस्तों इस कंडीशन में क्या होता है मैं आपको दिखाऊंगा, और यहाँ पर किस तरह से इसको सॉल्यूशन किया जाता है, और यहाँ पे क्या क्या इसका करना पड़ेगा, और सभी को मैं यहाँ पर दिखाऊंगा दोस्तों, ठीक है। तो दोस्तों यहाँ पे रहा हमारा प्रिंटर, इस प्रिंटर को मैं दिखाऊंगा दोस्तों, ठीक है। दोस्तों यहाँ पर इस तरह का एरर आ रहा है यहाँ पर हमारे प्रिंटर में, ठीक है। एक बार मैं इसको फिर से ऑफ करता हूँ। इसे एक बार फिर से ऑफ कर देता हूँ मैं, इसको ऑफ कर दिया। यहाँ पर ये वाला स्विच यहाँ पर अच्छी तरह से वर्क नहीं कर रहा है, ठीक है, ठीक है। मैं यहाँ इस तरह का यहाँ पे यहाँ का स्विच मैं ऑफ कर देता हूँ, ठीक है दोस्तों। ये देखिए ऑफ हो चुका है। ऑफ होने के बाद फिर से मैं ऑन करता हूँ, यहाँ पर किस तरह का इधर है, ये देखिए इस तरह का इधर आ रहा है, ठीक है। अब ये कंडीशन में दोस्तों यहाँ सबसे पहले यहाँ पर इसका जो वायर होता है उसको रिकनेक्ट करके देखूंगा, रिकनेक्ट करने के बाद यहाँ पर किस तरह का इधर होता है। इसका स्कैनर का केवल इसी साइड में होगा, यहाँ पर जो बोर्ड है यहाँ पर, ये देखिए यहाँ पर बोर्ड होता है, और इस साइड में होगा। तो यहाँ पर इसको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर मैं इसको एक बार खोल देता हूँ दोस्तों, ठीक है। सबसे पहले यहाँ पर इसका स्कैनर केबल को हम चेक करते हैं, सिंपली इतने ही चेक करते हैं, और उसके बाद यहाँ पर क्या होगा मैं आपको दिखा रहा हूँ। यहाँ पर एक स्क्रू होता है, ये देखिए इसको निकाल दिया। इसको निकालने के बाद यहाँ पर लॉक होता है, थोड़ी सी लॉक निकाल दिया, और लॉक खोलने के बाद यहाँ पर इस तरह से ओपन हो जाएगा। ये देखिए ओपन हो चुका है, ये वाला कवर ओपन हो चुका है। ये वाला कवर ओपन होने के बाद यहाँ पर मैं ये वाला हमारा केबल होता है, ये रहा हमारा स्कैनर का केबल, ठीक है। ये स्कैनर का केबल को मैं फिर से एक बार इसको डिस्कनेक्ट करने के बाद फिर से रिकनेक्ट कर दूँगा, ठीक है। यहाँ पर देखिए दोस्तों दिखने में तो ठीक लग रहा है, लेकिन क्यों इस तरह का एरर आ रहा है, देखिए मैं कनेक्ट कर दिया। कनेक्ट करने के बाद यहाँ पर फिर से मैंने इसको यहाँ पर पावर ऑन कर देता हूँ, पावर लगा दिया। पावर लगाने के बाद फिर ये सिम दिख रहा है दोस्तों, इसका साउंड सुनिए, ये देखिए इसका साउंड से पता चलता था कि दोस्तों यहाँ पर रेडी हुआ है कि नहीं। यहाँ पर देखिए दोस्तों यहाँ पर सिम भी दिखा रहा है, यहाँ पर इस तरह से यहाँ पर प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होगा, ठीक है। तो लेकिन यहाँ पर इतने करने के बाद सॉल्व नहीं होने के बाद फिर से यहाँ पर मैं दिखाऊंगा दोस्तों, यहाँ पे इसका स्कैन होता है। तो ये देखिए दोस्तों, ये देखिए यहाँ पर हमारा जो प्रॉब्लम था दोस्तों यहाँ पर पहचान हो चुका है, ठीक है, फाइंड आउट हो चुका है। ये देखिए दोस्तों ये है दोस्तों इसका एडजस्टमेंट वाल करने वाला ये है पत्ता, ठीक है। स्कैनर को यहाँ पर राइट पोजीशन में ये रखता है दोस्तों, ठीक है। तो दोस्तों इसका पोजीशन नहीं मिलने के बाद भी यहाँ पर ये रहता है, ये यहाँ पर अच्छी तरह से यहाँ पर नहीं चिपक रहा था, यहाँ पर इसमें गम होता है, वो गम यहाँ पर नहीं है दोस्तों, ठीक है। तो दोस्तों यहाँ पर एक बार मैं लगा कर देखूँगा यहाँ पर, ठीक है, ये देखिए ये लगा दिया, और यहाँ पर अभी इसका जो डबल टेप होता है वो
नहीं लगा हुआ है, मेरे सामने है यहाँ पर बेहतरीन क्वालिटी का डबल टेप है, मैं बाद में इसको लगाऊंगा। ठीक है, अभी मैं यहाँ पर सिंपली इतने ही रखने के बाद यहाँ पर मैं टेस्ट करता हूँ, काफ़ी ये रेडी हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, इसको देखिए मैं यहाँ पर पावर ऑफ कर देता हूँ, ये देखिए यहाँ पर पावर ऑफ हो चुका है, और फिर से यहाँ पर लगाता हूँ, और लगाने के बाद ये देखिए दोस्तों फिर से यहाँ पर पावर आ चुका है। ठीक है, आप यहाँ पर देखेंगे दोस्तों हम एरर क्या दिखाता है, ये देखिए फिर से सेम ही एरर दिखा रहा है। ठीक है, अभी भी यहाँ पर फिर से सेम एरर दिखा रहा है, इसको राइट पोजीशन में रखने के बाद यहाँ पर एरर सेम दिखा रहा है। और इसका एरर क्या होता है कि दोस्तों, अब इसको इस तरह से रख दिया और फिर से मैं यहाँ पर ऑन करता हूँ दोस्तों, इतने करने के बाद भी यहाँ पर फिर से सेम एरर आ रहा है, ये देखिए अभी अभी तक यहाँ पर सॉल्व नहीं हुआ, प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हुआ, फिर से ऑफ करता हूँ मैं। ऑफ करने के बाद इसका कनेक्टर को मैं देखूँगा किस तरह का है इसका कनेक्टर, और ये कनेक्टर को भी मैं यहाँ पर देखता हूँ, ये तो लग रहा ठीक है, लेकिन इसका अंदर ये वाला कनेक्टर को भी देखता हूँ। ठीक है, ये देखिए दोस्तों थोड़ी सी ये वाला अंदर घुसा है, ठीक है, यहाँ पर अच्छी तरह से टच ना होने के बाद यहाँ पे इस तरह का एरर होता है। इसको अच्छी तरह से बनाने के लिए मैं यहाँ पर एक बार इसको कनेक्ट कर देता हूँ, यहाँ पर कनेक्ट करने के बाद यहाँ पे नीचे की तरफ से मैं यहाँ पर एक डालूँगा, और मैंने ये निकाल रखा है दोस्तों, ठीक है, ये निकाल रखा है एक पेपर का। ठीक है, इसको मैं अच्छी तरह से यहाँ पर इसको नाप नाप के कट करूँगा, इसको इस तरह का इस तरह से नापूंगा, और इसको और यहाँ पर इसको इसके थ्रू से इस कट कर दूंगा। ठीक है, ये देखिए इसको मैंने कट कर दिया इसके साइज में, अब इसको अंदर से मैं इसको घुसाऊंगा यहाँ पर। ठीक है, यहाँ पर घुसाऊंगा। ठीक है, इतना होने के बाद दोस्तों यहाँ पर किस तरह का एरर आता है, यहाँ पर दोस्तों मैंने इसको अंदर से अंदर की तरफ से यहाँ पर घुसा दिया, इस तरह से देख सकते हैं यहाँ पे, ये देखिए एक ये है एक दूसरा है, नीचे की तरफ से ये है, ये देखिए इस तरह मैंने इसमें इसको घुसा दिया, ये देखिए ये देखिए इस तरह से मैंने यहाँ पर घुसा दिया, ये इस तरह से डालने के बाद उसे यहाँ पर मैंने इसको करूँगा ऑन प्रिंटर को, देखिए इसका साउंड सुनिए, ये देखिए दोस्तों यहाँ पर इतने ही करने के बाद रेडी हो चुका है। लेकिन इस कंडीशन में दोस्तों हम उसको जो कनेक्टर है वो कनेक्टर को भी रिप्लेस कर सकते हैं, लेकिन अभी नहीं किया हूँ, लेकिन यहाँ पर मैं आप करूँगा एक प्रिंट एक कॉपी करूँगा, कॉपी करने के बाद क्या होता है ये देखिए, ये पेपर है एक यहाँ पर डाल दिया, रख दिया, ये रखने के बाद दोस्तों यहाँ पर मैं आप करूँगा कॉपी, ये देखिए यहाँ पर बिल्कुल ब्लैंक है, इस पेज को यहाँ पर मैं डाल रहा हूँ, ये देखिए यहीं पे है पेज। ठीक है, इतने के बाद इसको और करता हूँ ओके स्टार्ट, स्टार्ट होने का यहाँ पर, ये देखिए दोस्तों ये देखिए अच्छी तरह का यहाँ पर पिन मिल चुका है हमें को, हमको इस तरह से दोस्तों यहाँ पर यह प्रॉब्लम को हम इस तरह से सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, इस तरह से आपका यहाँ पर E200E202-0002 एरर को हम इस तरह से सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, आज के लिए इतने दोस्तों, हम नेक्स्ट वीडियो में फिर से मिलेंगे, जितने भी हमारा वीडियो है सभी को लाइक शेयर जरूर कर देना दोस्तों। ठीक है।